उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के बिलारी थाना इलाके के ग्राम सियाली में घर के बाहर खेलते समय बच्चा गायब हो गया था। परिजनों ने आसपास के इलाके में बच्चे की तलाश की, लेकिन बच्चे का कुछ नहीं पता चल सका, जिसके बाद परिजनों ने बच्चे की गुमशुदगी कोतवाली बिलारी में दर्ज कराई थी। आज एक दिन बाद उस बच्चे का शव जंगल किनारे पड़ा मिला। जैसे ही शव मिलने की जानकारी पुलिस को मिली तो आनन फानन में पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी देहात फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंच गए और शव का पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। पुलिस मामले की छानबीन में लग गई है और जल्द से जल्द घटना का खुलासा करने की बात कह रही है। मुरादाबाद कोतवाली बिलारी के गांव सियाली में आज उस समय हड़कंप मच गया जब मासूम का शव जंगल किनारे पड़ा मिला। बच्चे का शव सड़क किनारे पड़े होने की सूचना गांव में आग की तरह फैल गई। सूचना पाकर मृतक बच्चे के परिवार वाले भी मौके पर पहुंच गए और परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक परिवार वालों का पुलिस से कहना है जिसने इस घटना को अंजाम दिया है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए और दोषी की गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाए। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जनपद के आला अधिकारियों को सूचना दी। जनपद के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और मामले की तफ्तीश में लग गए। एसपी देहात और फोरेंसिक टीम ने जाकर घटना स्थल का निरीक्षण किया, शव का पंचनामा भर के पोस्टमार्टम को भिजवा दिया है और जल्द से जल्द पुलिस मामले की खुलासे की बात कह रही है। मोहम्मद अब्दाल कोई मामला नहीं था सर, ये घर से खाना खा के 2-3 बजे के बीच निकला था। शाम को हमने इसको ढूंढने की कोशिश करी, बोले अभी तक आया नहीं, मगरिब का टाइम हो गया है, बोले चलो ढूंढते हैं। फिर अलाउंस कराया गांव में, सभी गांव वाले इकट्ठा हुए, जगह जगह जैसे आज ढूंढा है इस तरीके से, पूरे जंगलों में छानबीन करी और गांवों में बीरमपुर सनाई वगैरह, तभी सभी जगह अलाउंस कराए। ये परसों दोपहर से 2 बजे से लापता थे, 2-3 बजे। तो क्या कोई इसमें आपने तहरीर वगैरह थाने में दी थी? जी हाँ, हमने तहरीर रात को 10-11 बजे दे दी थी। हमने 112 पर कॉल किया था मैंने अपने आप। फिर क्या आपको उन्होंने यहाँ से हमको ले गए थे और वहाँ जाके तहरीर ले ली थी और बोले थे सुबह आना आप, 24 घंटे के बाद हम आपकी कंप्लेंट दर्ज करेंगे, कार्रवाई होगी। तो क्या किसी ने ढूंढा था? हम तो सभी लोग पूरा गांव इकट्ठा होकर ढूंढ रहा था, जहाँ तक कोशिश थी सब। पुलिस की तरफ से तो उन्होंने कहा था 24 घंटे के बाद हम कार्रवाई करेंगे ना, 24 घंटे के बाद ही कार्रवाई होती है। हमने सुबह हमें चाय पानी पी रहे थे, वो भी हमें अच्छा नहीं लगा, और हमने सभी लोग इकट्ठा हुए, बोले चलो आज इधर की तरफ चलते हैं, देखो इधर क्या पता कोशिश करें कुछ ना कुछ मिले। कोई रंजिश नहीं थी। फिर हम यहाँ से वहाँ तक ढूंढे, फिर हमारा दिल नहीं माना, हमने क्या देखे, यहाँ ये खजूर के पेड़ हैं, इनके पास कुछ झाड़ झंकाड़ हैं, देख लेते हैं। तो वहाँ पर मैं आगे पीछे हुआ, फिर वहाँ भिन्न भिन्न आने की मक्खियों की आवाज़ आ रही थी, तो वहाँ ये लोग बाहर निकल के आए। इन्होंने बोला क्या बात हो गई अब्दुल भाई? मैंने कहा कुछ नहीं है, मक्खी भिनक रही हैं, आगे देखो। तो वहाँ से डंडे से थोड़ा सा वहाँ से झाड़ी की पेड़ से झाड़ी हटाई है, तो उसका हाथ जैसे आपने देखा फोल्डिंग हुआ था। क्या लग रहा है आपको? क्या क्या लग रहा है? हमें तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये कब्रिस्तान है गांव से सटा हुआ, यहाँ एक बच्चे की डेड बॉडी मिली है। यह बच्चा करीब 3 दिन से गायब था, तलाश इसकी की जा रही थी, आज इसकी बॉडी मिली है और प्रथम दृष्टया घटनास्थल के निरीक्षण से ऐसा प्रतीत हो रहा है इसकी हत्या की गई है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाएगा। सर कोई जिसकी जो लापता था कि सूचना थाने में दी गई थी पहले? इस संबंध में हम जांच करा रहे हैं।